हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरीद स्पेशल मसाले वाली बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस बकरीद आप भी इस तरीके से बिरयानी घर पर बनाएं, इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे हम कहीं शादी में या फिर बाहर से रेडीमेड मसाले वाली बिरयानी का टेस्ट होता है वैसा ही आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 500 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है, जिसको मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसमें मैंने दो दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जावित्री ली है, और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने यहाँ जायफल का लिया है, और चार से पाँच मैंने यहाँ छोटी इलायची ली है, हरी इलायची, एक चम्मच सौंफ ली है, एक बड़ी इलायची, एक चक्रफूल, थोड़ी सी अदरक, और एक लहसुन की पूरी गंठी जो होती है उसको मैंने छील लिया है। तो इन सबको हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमें मसाले लेने हैं, सूखे मसाले। तो उसमें मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर लिया है। देखिए, अब हमें गैस पर कुकर रखना है, और इसमें हमें ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल 4 चम्मच लिया है मैंने यहाँ, और इसे हमें गरम होने देना है। तो देखिए, ऑयल गरम हो गया। अब इसमें हमें प्याज ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको इस तरीके से मैंने रफली चॉप्ड कर लिया था। तो इसे हमें प्याज को इसमें फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, बस इतना ही फ्राई करना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, और फिर इसी ऑयल में हमें अब हमें गोश्त को इसमें ऐड कर देना है। क्या हमने इसकी जो बोटी है उसको इसमें ऐड कर दिया है कुकर में, और इसमें अब हमें सब मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जो हमने सूखे मसाले लिए थे उसको भी ऐड कर दिया है, और जो हमने पेस्ट तैयार करा था पहले इसे खूब अच्छे से मिक्स करें, फिर जो हमने पेस्ट तैयार करा था मिक्सी ग्राइंड में उसको ऐड कर देना है। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, उसको ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने 4 से 5 चम्मच दही लिया है यहाँ पर, इसको भी ऐड कर दिया, और खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना है पानी, और अब हमें कुकर की लिट लगा देनी है, और इसमें 4 से 5 सीटी लगा लेनी है। तो जब तक इसमें सीटी आती हैं, जब तक हम चावल भी तैयार कर लेते हैं दूसरी गैस पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गोल्डन राइस लिए हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगोकर रख दिया था, और ये मेज़रमेंट के हिसाब से 1.5 गिलास चावल हैं। तो अब हमें गैस पर एक बड़ा भगोना रखना है, और उसमें मैंने आधा भगोने के इतना पानी ले लिया है। अब इसमें हमें 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और थोड़े से दालचीनी के टुकड़ा, इन सबको ऐड कर देना है। अब इसमें हमें नमक ऐड करना है, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक ऐड करा है। नमक थोड़ा खुलता हुआ ही हो तो सही बैठेगा, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड करा है। इसमें उबाल आने देना है अब पानी में, उसके बाद हमें चावल इसमें ऐड करने हैं। तो देखिए, पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हमें चावल ऐड कर देने हैं। जो चावल हमने पानी में भिगो कर रखे थे उनको ऐड कर देना है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर ढककर पकने देना है। तो देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब हमें चेक करना है कि चावल हमारे गले हैं या नहीं गले हैं। तो एक चावल हमें इसमें से चेक करना है, तो चावल हमारे गल गए हैं अच्छे से। देखिए, अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसको हमें छन्ने में छान लेना है चावल को। तो देखिए, हमने इसको छान लिया है, तो इसको अभी एक तरफ रख देना है। और अब कुकर में भी 4 सीटी लग गई हैं, और इसकी गैस भी निकल गई है। अब हमें चेक करना है कि बोटी जो है वो गली है या नहीं। तो ये अच्छे से गल गई हैं, ये रेडी है। तो इसको अब हमें क्या करना है, एक तरफ रख देना है, और अब हमें गैस पर रखनी है कढ़ाई। तो अब हमें इस कढ़ाई में चावल की लेयर लगानी है। तो सारे चावल की हमें ऐसे ही लेयर लगानी है, थोड़े थोड़े लेकर।
तो सबसे पहले हमें थोड़े से चावल लेने हैं, इसको इस तरीके से फैला देना है पूरी कढ़ाई में। और उसके बाद ऊपर से जो हमने मसाला तैयार करा है गोश्त का और जो बोटी हमने तैयार करी है उसको ऐड कर देना है। और थोड़े से ये हमें टमाटर ऐड कर देने हैं, टमाटर के पीस जो कट करे हैं। और ये जो फ्राइड करी थी हमने अनियन, प्याज जो फ्राइड करी थी उसको ऐड कर दिया है। और दो तीन हरी मिर्च को कट कर लिया था इसको ऐड कर दिया है। और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है हमने थोड़ा सा। और ऊपर से फिर हमें चावल की लेयर लगा देनी है, फैला देने हैं इस तरीके से। और फिर ऊपर से हमें ऐसे ही मसाला और बोटी को ऐड कर देना है। दोबारा से लेयर लगा देनी है ऊपर से। इस बात का ध्यान रखना है कि चावल को हमें पहले फैला देना है पूरी उसमें कढ़ाई में, उसके बाद हमें लेयर लगानी है। कढ़ाई की जगह आप यहाँ पर भगोना भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो बर्तन हो आप उसमें इसको दम कर सकते हैं बिरयानी को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई में ही करें। तो देखिए इसके ऊपर से मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अब हमें जो हमारे जो चावल बचे हैं उन सबको इस ऐड कर देना है। और ऊपर से जो मसाला बचा है उसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें, ऑयल और जो मसाला है उसको ऐड कर देना है इस तरीके से। अब इसमें हमें कलर ऐड करना है, कलर ऊपर से डालना है थोड़ा। तो उसके लिए हमें लेना है एक चम्मच के इतना केवड़ा वाटर, एक चम्मच से कम ही लेना है। और उसमें हमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है और मिक्स कर लेना है इसको, खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है कलर को। मैंने यहाँ ऑरेंज फूड कलर लिया है। तो देखिए हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें चावल में इसको ऐड कर देना है इस तरीके से। और ऊपर से हमें जो हमने फ्राई करी हुई प्याज है उसको ऐड कर देना है। और थोड़ा सा हमें इसमें हरा धनिया भी ऐड करना है ऊपर से। अब बस हमें ज़रा सा इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा सा बिल्कुल। देखिए इतना सा मैंने पानी लिया है, इसको ऐड कर देना है जिससे हमारे चावल जो नीचे के हैं वो लगेंगे नहीं और अच्छे से ये दम भी हो जाएंगे। तो बस अब इसे हमें ढक देना है और लो फ्लेम पर हमें 20 मिनट के लिए इसे दम कर लेना है। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं, अब हमें चेक करना है हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये मसाले वाली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो अब हमें इसे डिश आउट कर लेना है, डिश में निकाल लेना है। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये मसाले वाली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे हम शादियों में खाते हैं या फिर हम बाहर से रेडीमेड मसाले वाली बिरयानी मंगाकर खाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है इसका। तो आप भी इस बकरीद इस तरीके से घर पर ज़रूर बनाएं मसाले वाली बिरयानी और हमें कमेंट्स में बताएं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।